पापा, लोग शादी क्यों करते हैं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है खुश रहने के लिए ना। बहुत समझदार हो गई हो। तो इसका मतलब कि किससे शादी करनी है, ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ना? उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? हमें ना तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, पर मैं कह रही थी कि अगर मैं किसी से हाय हाय, पापा, ये यहाँ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मित्रा जी, कैसे हाँ मिस्टर टंडन, वेलकम, हाउ आर यू? हेलो, ब्रेकफास्ट ठीक था? वंडरफुल, एवरीथिंग वाज नाइस। यहाँ का मैनेजर कौन है? हाय दोराय स्वामी। हाय, वन सिंगल कॉटेज प्लीज। डेफिनेट सर। हाय हाय, हेलो पवन, माय फियांसे अनु अनु चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा। सिद्धू, तुम यहाँ आए कैसे? भूल गई क्या, तूने अपना प्रोग्राम बताया था, तेरे पीछे पीछे बस पकड़ी और आ गया। अनु, तू जानती है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सिद्धू, ये सब बस तुम ही कर सकते हो। पागल हो, पागल, एकदम पागल। हाँ हाँ, पागल हूँ मैं, बस तेरे बिना नहीं रह सकता मैं। सिद्धू, I'm so happy you're here. सच? सच। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच सिद्धू। Okay, give me a kiss. क्या? क्या क्या? Give me a kiss. कुछ नहीं मिलेगा किस किस? क्या क्या नहीं किया हूँ यहाँ आने के लिए? बस के धक्के, दोस्तों से उधार। I deserve a kiss, no? No. अनु? सिद्धू? सिद्धू? बंगा! बंगा! Sorry. I'm really sorry. Water tank problem, sir. Sorry. देखिए, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उसके मम्मी डैडी को नहीं पता हमारे बारे में। नो 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 एक्सप्लेनेशन, आई अंडरस्टैंड फुली। उधर सिटी में लाइफ फास्ट, बट हाई जंगल स्लो लाइफ, बट दिस इज वेरी फास्ट। थैंक्स मल्होत्रा जी, कम से कम साल में एक ऐसी पिकनिक जरूर होनी चाहिए। टंडन साहब, हम तो ऐसे ही मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपका फुर्सत कहाँ है? अरे अब्बू, तो बिजनेस बिजनेस ओनली बिजनेस। अब तो बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, अब तो ना चाहते हुए भी मिलते रहना पड़ेगा। He seems a bit lost. यही तो उम्र है बेटा, उसके बाद तो सारी जिंदगी होश में रहना पड़ता है। Are you from Canada? I'm from America, ma'am. Oh, are you married? No. No? Oh, then get married life, very happy life. My personal experience. यह आप हर टाइम मुंह क्यों लटकाए बैठे रहते हैं? तो क्या नाचूं? ऐसे नहीं बोल रही, पर कम से कम आदमी औरों के लिए थोड़ा मुस्कुर। खैर, मेरी गलती थी जो आपको हॉलिडे पर ले जाने के लिए जिद की। अंकल, एक मेरे को जितना कहानी आता मैंने बताया ना बेबे। प्लीज, कोई भी एक कहानी लास्ट प्लीज, इसके बाद नहीं बोलेंगे। अभी मैं तुमको एक लव स्टोरी सुनाता। लव स्टोरी? हाँ। एक लड़का था, एक लड़की थी, थोड़ा गर्मी था, थोड़ा ठंडा था, चोरी चोरी मिलते जुलते, जुलते मिलते मिलते जुलते चोरी चोरी। फिर क्या हंगामा हंगामा। अरे सुनो, इसमें इमली तो नहीं है? थोड़ा होगा सर, बट वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ओहो, कम से कम हॉलिडे में तो एंजॉय कर लिया करो। yes, तुम कर रही हो ना बस। हेलो, हनीमून मनाने आ रहे हैं हम यहाँ पर। सिद्धू, एक फर्स्ट क्लास सीट चाहिए। हाँ, हनीमून स्वीट। हनीमून? हाँ हाँ, अपने हनीमून के बारे में सोचा कि हाँ हूँ, अच्छी जगह है, शादी कर रहा हूँ ना अगले महीने। वेरी गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, हु इज इन चार्ज हियर? आई सर। देखिए, हमें रहने के लिए एक अच्छा सा कॉटेज चाहिए, वी आर जस्ट मैरिड यू नो। यस सर, फर्स्ट लंच सर। हाँ प्लीज। बुंगा, अभी अच्छा बिजनेस चलता है तुम्हारा, अच्छा पैसा कमा लेते होंगे तुम। सर, अच्छा चलता था, बट नाउ प्रॉब्लम सर, वाटर प्रॉब्लम, इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड दुर्गा प्रॉब्लम। दुर्गा?
कौन दुर्गा? वो डाकू सर। वो स्मगलर, वो डाकू दुर्गा नारायण है अभी भी? उसका कौन बोल सकता सरदार जी। अब क्या है, यहाँ पर तीन स्टेट का बॉर्डर जान होता, कभी स्टेट में जाता कभी उस स्टेट में जाता, अभी कभी आता कभी जाता, किसी को पता ही नहीं चलता है। But this is ridiculous. गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, एक आदमी को नहीं पकड़ सकती? सुना वो अमीर लोगों से बहुत नफरत करता है। अच्छा? खास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट से। इंडस्ट्रियलिस्ट से? पर क्यों? वो क्या है ना, वो जंगल में रहता है, जंगल उसका घर है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जंगल काटते हैं। अभी उसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के को किडनैप किया था, फॉरेन रिटर्न था वो, लंबा चौड़ा मॉडल टाइप, बेचारे को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि आज तक वो हॉस्पिटल में पड़ा है। बहुत डेंजर आदमी है ये। वैसे आप क्या करते हैं? मैं तुम पागल हो, पागल एकदम। पता है पवन का चेहरा देखा था, ऐसे डरा हुआ था कि वो डाकू बस अभी यहाँ पे आने वाला है। मेरे तो हंसी नहीं रुक रही थी। तब तो मैं मजाक कर रहा था अनु, लेकिन दिल की बात बताऊं, काश वो दुर्गा यहाँ सच में आए और उसे इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि वो ये रिजॉर्ट ही नहीं इंडिया छोड़ के भाग जाए। मैं तुम्हारा फीलिंग समझता हूं, बट फॉर गॉड सेक ये मत चाहो कि वो राक्षस इधर को आए। वैसे दुर्गा है कौन? राक्षस। बिगिनिंग चंदन का लकड़ी काट कर बेचने से किया, बाद में हाथी को मारा दांत का वास्ते, रोड पर आते जाते ट्रक को भी लूट लेता है, फॉरेस्ट ऑफिसर पीछे पड़ता है उसको मार डालता है, पुलिस ऑफिसर जाता तो उसका डेड बॉडी मिलता है। डेंजरस स्टफ। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है? सरकार मैडम क्या कर सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पुलिस चाहे तो क्या एक आदमी को नहीं पकड़ सकती? इतना आसान नहीं है। कितना बड़ा जंगल, कितना घना, 10 फीट का दूरी पर हाथी छिप जाता है। तुम जंगल में रास्ता भटक के 20 कदम अंदर चला गया, हो सकता है तुम घूम जाए, पर दुर्गा को जंगल का पत्ता पत्ता मालूम, कैसा ढूंढ पाएगा उसको कोई? हाँ, पर वो खाता पीता नहीं है क्या? खाता है। और उसके बाकी की जरूरत का सामान, गन्स वगैरह कहाँ से आती है? जंगल का आसपास का गांव का लोग। इसका मतलब ये गांव वाले भी उससे मिले हुए हैं? हाँ, अब कितना खतरनाक आदमी है, गांव वालों को जीना है, कौन ना करेगा। फिर यहाँ पर किसी को पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो क्या पुलिस भी उसके साथ मिली है? ऐसा नहीं है, पुलिस कोशिश कर रहा है, पर पुलिस का हर चाल का उसे पहले खबर मिल जाता है। वो कैसे? अब कोई बोलता है कि उसका इन्फॉर्मर है, कोई बोलता है क्या, उसका बारे में इतना अफवाहें, सच क्या है किसी को मालूम ही नहीं। अब शिवराज बोल के कोई नया अफसर आया है, देखते वो अब क्या करता है। Wow, this is beautiful. Beautiful. सिद्धु देखो तो। Yes. Whoa. Wow, सिद्धु, कितना खूबसूरत है ना? भगवान हर चीज खूबसूरत बनाता है, पर इंसान सब कुछ बिगाड़ देता है। मटकी और बाकी का सामान देखते हो।
रोको, रोको, रोको। जल्दी जाके घेर लो, जाओ, come on. मेडिकल, फर्स्ट एड बॉक्स, जल्दी, जल्दी. सर, मैं तो कहता हूँ गोलियों से सारी झाड़ियाँ. मैंने कहा मुझे जिंदा चाहिए.